कुलपति के जय होखे। महाराज दशरथ से मिले खातिर अयोध्या से एगो दूत आइल बड़े और दर्शन के आज्ञा चाहत बड़े। प्रतिहारी, दूत के अंदर भेज दो। अयोध्यापति, दूत रउआ से एकांत में मिले के इच्छुक बड़े। प्रतिहारी, महाराज जनक और हमार बीच कोनो दुराव नेखे और गुरुजन से कोनो भी बात छुपावल अनुचित होगी, यही से दूत के अंदर भेज दो। जौन आज्ञा महाराज। अवश्य ही कोनो राजनीतिक प्रश्न खड़ा हो गई होगी जेकरा खातिर दूत भेजल गई बा। ई प्रश्न के समाधान खातिर हमके राउर सहयोग चाहिए राजा जनक। अयोध्या नरेश के जय होखे। अयोध्या के दूत ब्रह्मदत्त मिथिलापति और गुरुजन के प्रणाम करत बड़े। आयुष्मान बाबा। निसंकोच कह ब्रह्मदत्त, का विशेष संदेश लेके आयल बड़ा। महाराज, स्वयंवर में अपमानित लंकापति रावण अपन नाना सुमाली के उकसावे पर अयोध्या तथा मिथिलापुरी पर आक्रमण के योजना बना रहल बाड़े। सुमाली तो देवासुर संग्राम में रउआ से पहले ही पराजित हो चुकल बा अयोध्या नरेश। वह अवश्य ही प्रतिशोध के आग में छटपटात होखे। रावण होखे या सुमाली, इस बार हम राक्षसन के मुंह तोड़ उत्तर दे। मिथिला नरेश, मिथिला अयोध्या और कैकेय की सेना मिल के राक्षसन से लोहा ली, एकरा खातिर हमके राउर सहयोग चाहिए। अवश्य महाराज, हम स्वयं आपके सेना सहित रणभूमि में राउर सहायता खातिर उपस्थित रहब। गुरु विश्वामित्र, ई युद्ध खातिर राउर परामर्श और राउर मार्गदर्शक चाहिए। यदि अयोध्या मिथिला और कैकेयी के सेना मिल गईल त रावण और सुमाली के परास्त करल कठिन नेखे। ई बार ओकरा ऐसन मात दी कि दोबारा वो आर्यावर्त के सीमा के ओर कुदृष्टि डाले के साहस न कर सके। ऐसन ही होगी गुरुदेव। महाराज जनक, रउआ सतर्क रही, हम ठीक समय पर रउआ के संदेश पहुंचाई। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महीम महेशः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकः समस्तः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। श्री राम रामचंद्र के जय होगी। श्री राम रामचंद्र के जय होगी। श्री राम रामचंद्र के जय होगी। महारानी कैकेयी, एकरा में से कौन सा जोड़ी सबसे अधिक सुंदर बा, बता सके नी? बतावल कठिन बा स्वामी, कोनो केहू से कम नहीं खे। फिर भी कोनो ऐसन जोड़ी जे सबसे अधिक सुंदर होखे? सीता और राम के जोड़ी, इनका दर्शन से प्यासी यहाँ की प्यास बुझ गई। बाकी हमके तो सारा जोड़ी एक समान मनोहर दिखाई देवेला। महारानी कौशल्या, एकरा में से तोहार सबसे चहेती जोड़ी कौन सा बा? हमार चहेती जोड़ी लक्ष्मण और उर्मिला के। भरत और मांडवी की जोड़ी भी कोनो कम नहीं थे। वैसे तो शत्रुघ्न और श्रुतकृति के आपन अलग ही छवि बा, बाकी सीता और राम के कोनो बराबरी ना कर सकेला। मिथिला से अयोध्या तक के लंबा यात्रा में हमार सुकुमार थक गई हुई है, अब इनका विश्राम करके आज्ञा दी महाराज। जैसन राव रिक्षा महारानी, स्वागत हो चुकल बा। अब विश्राम के बारी बा। बेटा राम, लक्ष्मण, जा अपन अपन कक्ष में विश्राम करा, जा।
प्रणाम आर्य पुत्र। सीते, हमार और तुहार संबंध समानता के बा। हम दोनों पति पत्नी बानी और तू भी उतना ही सम्मान के अधिकारिणी बाड़ू। यदि तू हमरा के प्रणाम कर सकेलू तो हमके भी तोहरा के प्रणाम करे के चाही। ना, कदापि ना। एगो आदर्श पत्नी खातिर पति परमात्मा के समान पूज्य बा। हम रउआ के प्रणाम करके एगो पत्नी धर्म के कर्तव्य निभैनी है। धर्म पत्नी के साथे साथे का तू हमार प्रियसी के कर्तव्य ना निभावे के चाहतारू? चुप काहे हो गईलू मैथिली? मौन भी तो स्वीकृति के लक्षण हो खेला स्वामी। आपन मुंह से सब कुछ कह देवल मर्यादा के विरुद्ध हो खेला। अर्थात तोहके हमार मर्यादा के ध्यान हमरा से अधिक बा? हम तो हर दृष्टि से रउआ से छोट बानी और राउर पदचिन के ही हम अनुसरण करे चाहतनी। एगो बात पूछी स्वामी? पूछा। अभी अभी रउआ हमके प्रेसी कहनी। सची तो कहले बानी का पत्नी के साथे साथे तू हमारी प्रेसी न बाड़ू? पूछ तो बानी, परंतु हम ही जाने के चाहतनी कि संसार में राउर सबसे प्रिय व्यक्ति के बा। मौन काहे हो गई नी स्वामी? हमार प्रियजन की तो कोनो गिनती ही ना बासीते। हमार सबसे प्रिय व्यक्ति के बा ई पूछ के तू हमरा के उलझन में डाल देले बाड़ू। अनगिनत प्रियजन में भी सबसे प्रिय व्यक्ति अलग ही दिखाई दे जाला। बताई ना के बाऊ? तू हमार जीवन में आ गईल बाड़ू तो हमार सब कुछ बदल गईल बा। यही से जन्म जन्मांतर से जौन हमार हृदय में प्रिय बन के बसल भइल बा ओकर नाम हम तोहरा ई समय ना बता सकेनी। काहे ना बता सकेनी? रउआ हमरा से कुछ छुपावे के चाहता नी? ना सीते, तोरा से कुछ छुपावल राम खातिर असंभव बा। हर सत्य के उद्घाटन के एगो निश्चित समय होखेला और अभी उस समय दूर बा। जब ले उस समय ना आवेला तब ले तोहरा अपना आप के ही प्रश्न से दूर रखे के होखी। ओकर नाम हम तोहरा के ई समय ना बता सकेनी। का तू हमरा से रूठ गई लूसीते? रउआ हमार प्रियतम बानी, रउआ से रुष्ट होके हम कहाँ जाएं? रउआ राउर सबसे प्रिय व्यक्ति के नाम बताएं या ना बताएं, हम अवश्य बता दें। के बाऊ? जन्म जन्मांतर से जन्म जन्मांतर तक एकमात्र रउआ ही हमार प्रियतम बानी और रउए रहा। तू महान बाड़ू सीते, तू सचमुच महान बाड़ू। हम असत्य ना कह रहल बानी उर्मिला। इस संसार में हमरा खातिर सबसे प्रिय व्यक्ति बाड़े भैया राम। वो हमारा अग्रज बाड़े,
हमार बंधु बाड़े, हमार प्राण सखा बाड़े, उनकरा से अधिक हमरा खातिर इस संसार में और केहू नहीं खे। इता हम भी मानत बानी स्वामी, श्री राम जैसन भाई बड़ सौभाग्य से प्राप्त होखेलन। हम भी उनकरा जेठ के रूप में पाके अपना आपके सौभाग्यशालिनी मानत हैं। परंतु ओकर ई अर्थ ना बा और मिला कि तू हमरा केहू और से कम प्रिय बाड़ू। विदाता हमके भैया राम से और हमके तोहरा से संयोग से मिला दिलन। तू हमार जीवन में वरदान बन के आयल बाड़ू। हम तो यह चाहत बानी के राव चरण के दासी बन के जीवन भर और सेवा करी। नौर मिला, हम तोहरा सेविका के रूप में ना आपन अर्धांगनी के रूप में अपन साथ रखे के चाहत बानी। जितना हमार ऊपर तोहार अधिकार बा उतना ही तोहार ऊपर हमार अधिकार बा। हम चाहत बानी कि हम दोनों मिलके भैया राम के चरण के सेवा करी। ऐसा नहीं होखे स्वामी। हमार सूर्यवंश एगो महान वंश बा मांडवी। एकर आदर्श परंपरा के पालन करे वाला महापुरुष इतिहास में अपन नाम अमर कर देले बाड़े। हम जानता नहीं स्वामी, जौन दिन से हमरा के पता चलल कि हमनी चारों बहन अयोध्या के राजवधू होवे जा रहल बानी, हमार हर्ष के पार ना रहल। सूर्यवंश के राजवधू होके हम धन्य हो गई नी। और इस समय सूर्यवंश के गौरव पताका फहरा रहल बा। रघुकुल तिलक श्रीराम मिथिला के राज्यसभा में आपन बल परीक्षण करके और हार जाए वाला महाबली योद्धा के सामने शिव धनुष के भंग करके श्री राम अयोध्या के गौरव बढ़ौले बाड़न। अर्थात संसार में रहुआ खातिर सबसे प्रिय और पूजनीय श्री राम बाड़े। निसंदेह मांडवी, माता पिता के पश्चात हमार सबसे प्रिय और पूज्य श्री राम ही बाड़े। ऐसे का देख रहल बानी स्वामी? देख रहल बानी तोहार आँख में छलकत स्नेह के। कैसा लागत बा तोहरा के यही अयोध्या में आके? हम चार बहिन और वह चार भाई, कैसन अद्भुत संयोग बाई। यही जा तो मिथिला से अधिक अपनापन दिखाई दे रहल बा हमके। हम चार भाई में शिरोमणि बाड़े सबसे बड़ भैया राम। सुनले बानी रहुआ चारों भाई के जन्म साथे साथे भइल रहे, फिर श्री राम सबसे बड़ कैसे हो गइलन? श्री राम सबसे बड़ ही ना, महान भी बाड़े। वो हमनी तीनों भाई खातिर आदर्श पुरुष बाड़े। उनकर आज्ञा और आदेश हमनी खातिर संसार में सबसे बड़ के बा। देवी कौशल्या, रहुआ अपन चारों बहु के स्वागत के लिए, परंतु उनकर बारे में कुछ कह ली ना? ई का कहत बानी महाराज, उनका के देख के ता मन प्रसन्न हो गई। ऐसन बहु लोग ता भाग्य से मिलेला। अर्थात तू तीनों अपन भाग्य के सराहत? अवश्य महाराज, ई में का संदेबा। महाराज के जय होके। महाराज, महाराज जनक के सचिव पधरले बड़े, ऊ राउर दर्शन करे के चाहत रहे। उनकरा आदर सहित बैठावा, हम अभी आवत। जवन आज्ञा महाराज। का बात बा महाराज, रउआ तो मिथिला से ही चलत आ रहल बानी, फेरी संदेश कैसन? ये हम रउआ के बाद में बताई महारानी। ये समय सचिव से मिलल अति आवश्यक बा। संदेश के बात सुन के आर्य पुत्र इतना गंभीर काहे हो गए? राजनीति की बात ऐसा ही हो खेला दीदी, रवा चिंता न करी। रवा जौन संदेश लेके आयल बानी ओकर अनुमान हमके पहले से ही रहल। प्रतीत होता कि लंकापति रावण और सुमाली के सेना लंका से कूच करके आर्यव्रत के तरफ बढ़ चुकल बा। हाँ महाराज, मिथिला नरेश रवा से निवेदन कैले बाड़े कि अयोध्या के सीमा तक पहुंचे से पहले ही अयोध्या कह के और मिथिला के सेना रावण के बढ़त प्रभाव के रोक ली और अपन सम्मिलित शक्ति से राक्षसन के पराजित करी। महाराज जनक से कहब कि वो निश्चिंत रहें। उनका से कहिया कि वो अपन सेना दक्षिण से भेजें। हम कह के नरेश के भी सूचना तुरंत भेजवाई। महाराज अब अधिक समय ना बा, एक सप्ताह के अंदर तीनों सेना नर्मदा के दक्षिण तट पर
निश्चित स्थान पर पहुंच जाए के चाही। महाराज जनक से कहिया कि हम अपन सेनापति और गुप्तचर से विचार विमर्श करके उनकरा निश्चित स्थान के बारे में अवश्य सूचना देहब। राउरी आदेश हम तुरंत पहुंचा देब। अब हम क्या आज्ञा दही। प्रणाम। प्रणाम। अर्थात ई बार मिथिला अयोध्या और कैकेय के सेना एक के साथ ही राक्षसन से लोहा ली है। अवश्य, परंतु ई बार हम तोरा युद्ध में सम्मिलित ना करब कैकेय। जब हमार पिताश्री के सेना रौर साथे बा तो हमार का आवश्यकता बा, परंतु एक बात हम कह देत बानी, रवा अवश्य विजयी होके लौटब। ये तू कैसे कह सकेलू? शत्रु के कबो निर्बल समझे के ना चाहिए। हो सकेला युद्ध भूमि में ओकर पलड़ा भारी हो जाए। ऐसन कदापि ना होखी महाराज, राउर चारू वधु राउर शुभ भविष्य के संदेशा लाइल बाड़ी। हम सोच रहल बानी कि युद्ध में जाए से पहले राम के शासन के उत्तरदायित्व तो सौंप दें। कुछ समय के पश्चात राज्य के शासन उकरा ही तक संभाले के बा। बहुत सुंदर विचार बा महाराज। युवराज के राजा बनने से पहले शासन के अनुभव होके के ही चाही। गुरुदेव, मिथिलापति तथा कैके नरेश के साथ ही अयोध्या के सेना भी राक्षसन के साथ युद्ध भूमि में टकराई। यदि रउआ परामर्श दी तो हम अपन अनुपस्थिति में राम के राज्य के उत्तरदायित्व सौंपे चाहता नहीं। बहुत उत्तम विचार बा राजन। युवराज के राजकाज के व्यवहारिक अनुभव होके के ही चाहिए। हम तो रउआ से कुछ और ही निवेदन करे के चाहत रहनी पिताश्री। गुरुदेव, यदि रउआ आज्ञा दीता। हाँ हाँ, कहा राम। पिताश्री, महर्षि विश्वामित्र के साथे रह के राक्षसन से युद्ध करे के अनुभव हमके प्राप्त बा। रउआ एजे रही, अयोध्या की ओर से युद्ध भूमि में जाए के आज्ञा हमके दी। ना बेटा राम, ये युद्ध ना महायुद्ध होगी, यही से तोरा ओजा जाए के अनुमति ना मिली। गुरुदेव, रउआ ही बताई, हमार अनुरोध का अनुचित बा? अनुचित ना तो उपयुक्त भी नहीं खे राम। ऐसन समय में भावुकता से ना स्थिर बुद्धि से काम लेवे के चाही। तोहरा महाराज के आज्ञा के पालन करत शासन के अनुभव प्राप्त करे के चाही। जैसन राउरी इच्छा।